वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन, सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स के अकॉर्डिंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। आज हम डिस्कस करेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। एक बहुत इम्पोर्टेंट शुरुआत इसको हम मानते हैं, क्योंकि डाल्टन से पहले काफ़ी लोगों का ये मत तो था कि मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ वेरी स्मॉल इनडिवाइजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। एटोमियो ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रेटस ने ये टर्म दिया था। इट मीन्स इनडिवाइजिबल, जिसके और अधिक टुकड़े नहीं हो सकते, जो इनडिवाइजिबल है, ठीक है। लेकिन डाल्टन 1808 में, डाल्टन पहला साइंटिस्ट था जिसने ये डिस्क्राइब करने की कोशिश की कि वास्तव में मैटर है क्या, मैटर किससे बना है, एलिमेंट्स क्या हैं, एलिमेंट्स किससे बने हैं, कंपाउंड्स क्या हैं, उनकी कंपोजिशन क्या है। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को अब हम वन बाय वन उसके जो पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, ए पॉइंट, इसमें डाल्टन्स थ्योरी में क्या दिया गया, मैटर कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल इनडिवाइजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, ठीक है। डाल्टन की थ्योरी का पहला पॉइंट क्या है, मैटर कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल इनडिवाइजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। एंड सेकंड पॉइंट उसने क्या कहा कि भाई सभी पार्टिकल्स, एक ही एलिमेंट के यदि अलग अलग पार्टिकल्स हम लेते हैं तो सब क्या होते हैं, सेम होते हैं। ऑल द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास, साइज एंड शेप, ठीक है, समझ में आ रही बात। एक ही एलिमेंट के जो डिफरेंट एटम्स हैं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अब ये है, ये एक लोहे का पीस मान लेते हैं, तो इसमें जितने भी एटम हैं वो सब क्या हैं, लोहे के हैं, सब एक जैसे एटम हैं, ठीक है ना। डाल्टन्स थ्योरी का सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट डाल्टन ने क्या कहा, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस, एंड हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। अलग अलग एलिमेंट के एटम्स यदि हम लेते हैं, एक आयरन का एलिमेंट ले लें, एक गोल्ड एलिमेंट का एटम ले लें, ठीक है, दो अलग अलग एलिमेंट, एक गोल्ड है एक आयरन है, उनके एटम्स यदि हम देखते हैं तो उनके मासेस डिफरेंट हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस होता है। अगले पॉइंट में डाल्टन ने क्या कहा, व्हेन एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स
कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म, कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड्स दे कंबाइंस इन ए फिक्स्ड रेशियो बाय मास. फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ वाटर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ऑलवेज कंबाइन इन ए मास रेशियो ऑफ 2:16, दैट इज सिंप्लीफाई करें तो 1:8. ठीक है, वाटर जब भी बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, जब भी कभी वाटर बनेगा तो हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास रेशियो क्या रहेगा, 1:8 रहेगा, ये फिक्स है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट डाल्टन थ्योरी का, एटम्स ऑफ टू एलिमेंट्स, मे कंबाइन इन डिफरेंट वेज टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड. ठीक है, फॉर एग्जांपल कार्बन एंड ऑक्सीजन का एग्जांपल हम लेते हैं, कार्बन एंड ऑक्सीजन. एक बार मैं दिखा सकता हूँ कार्बन और ऑक्सीजन से CO, एक बार मैं दिखा सकता हूँ CO2. ठीक है, समझ रहे हैं आप, कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइंस इन दिस वे टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड एंड इन दिस वे टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड. दो अलग अलग तरीके से दो एलिमेंट्स कंबाइन होकर एक से ज़्यादा कंपाउंड बना सकते हैं. यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन का मास रेशियो आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, 12:16, इधर आ जाएगा 12:32. तो मास रेशियो यहाँ पे अलग अलग है दोनों कंपाउंड्स में. क्लियर है बात, समझ में आती है. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, हम अगला पॉइंट जो दिखा सकते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का, वो क्या दिखा सकते हैं कि एटम्स इन ए केमिकल रिएक्शन आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. मतलब एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शंस. ठीक है, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शंस. केमिकल रिएक्शंस में एटम्स को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. और लास्ट पॉइंट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का, उसने क्या कहा कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस. ठीक है, एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस. जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स, हालांकि वो बाद में डिस्कस करेंगे हम सेकंड चैप्टर में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन उनकी डिस्कवरीज के बारे में, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, आप फिजिक्स में भी आई थिंक पढ़ रहे होंगे, लेकिन सब एटॉमिक पार्टिकल्स केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स और भी जो दूसरे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनकी मदद से केमिकल रिएक्शंस केमिकल चेंजेस नहीं हो सकते. ठीक है, अब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से हम ये भी डिस्कस करेंगे
कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स, कुछ पॉइंट्स, कुछ इस थ्योरी के जो पॉइंट्स हैं वो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस को भी एक्सप्लेन करते हैं। तो जो हमारा पहला पॉइंट है, मैटर कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल इनडिवाइजेबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, एंड हमारा जो लास्ट पॉइंट है, ठीक है ना, लास्ट पॉइंट, सेकंड लास्ट पॉइंट, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट एंड ए एंड एफ कौन कौन से भाई, ए और एफ, ए एंड एफ जो पॉइंट्स हमारे हैं, ए और एफ पॉइंट्स। ए में क्या कहा, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एफ में क्या कहा कि एटम को हम ना बना सकते हैं ना ख़त्म कर सकते हैं। तो ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसको एक्सप्लेन करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक्सप्लेन करते हैं फर्स्ट ए और एफ पॉइंट। उसके बाद डी पॉइंट जो हमने लिखा, व्हेन एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड्स, दे कंबाइन इन ए फिक्स रेशियो बाय मास। ये जो डी पॉइंट है ये लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। उसके बाद पॉइंट ई, एटम्स ऑफ टू एलिमेंट्स मे कंबाइन इन डिफरेंट वेज टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। ये जो ई पॉइंट है हमारा कौन सा भाई, ई पॉइंट, ये हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। ई पॉइंट हमारा क्या करता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। तो इस तरह से मेन मेन जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस थे हमारे, उनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं किससे, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट से। क्लियर हुई बात। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की मेन मेन लिमिटेशंस क्या थी इसकी, क्या भी लिमिटेशंस, क्योंकि इस थ्योरी ने, मैं शुरुआत में जैसे मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये, इसने बहुत सारे आगे के रास्ते खोले हमारे लिए, लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी थी इस थ्योरी की, मेन लिमिटेशंस। तो इसकी लिमिटेशंस में जो फर्स्ट लिमिटेशन, हम सबसे बड़ी लिमिटेशन इसकी बता सकते हैं कि इस थ्योरी ने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस को बाय मास एक्सप्लेन किया। पहली लिमिटेशन क्या है, इट एक्सप्लेन लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस बाय मास बट नॉट बाय वॉल्यूम, ठीक है। इट एक्सप्लेन लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस बाय मास बट नॉट बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम की टर्म्स में, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस को इसने एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है। सेकंड पॉइंट जो इसकी लिमिटेशन हम बता सकते हैं कि इट डज नॉट एक्सप्लेन व्हाई एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन, व्हाई एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन, डिफरेंट एलिमेंट्स और सेम एलिमेंट, डिफरेंट और सेम एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, ठीक है। चाहे सेम एलिमेंट के एटम हैं या अलग अलग एलिमेंट के एटम हैं, वो कंबाइन होते हैं और मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। तो क्यों होता है ऐसा, इस चीज़ को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। थर्ड हम बता सकते हैं, इट डज नॉट एक्सप्लेन व्हाई एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेज। थर्ड पॉइंट, व्हाई एटम्स ऑफ डिफरेंट
एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स का मास अलग अलग है, ऐसा क्यों है, इस चीज़ को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट जो इसकी फोर्थ लिमिटेशन हम बता सकते हैं वो क्या है, इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द अल्टीमेट पार्टिकल दैट इज़ एलिमेंट और कंपाउंड। ठीक है, कि एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल हमें पता है एटम होता है, अब पता है, और कंपाउंड के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट का तो एटम और कंपाउंड का मॉलिक्यूल। बट उस समय डाल्टन ये नहीं बता पाया कि एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल क्या कहलाता है और कंपाउंड के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट उसकी सबसे बड़ी जो लिमिटेशंस में हम कह सकते हैं कि चलो ठीक है, मान लिया एटम्स कंबाइन होते हैं, बट व्हाट आर द फोर्सेस विच होल्ड द एटम्स टुगेदर इन ए मॉलिक्यूल। इट डज नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ फोर्सेस, अट्रैक्टिव फोर्सेस, अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स इन मॉलिक्यूल्स। इन मॉलिक्यूल तो उस समय था ही नहीं, बट डाल्टन ने बताया नहीं, बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ कंपाउंड्स, कंपाउंड्स और एलिमेंट्स। ठीक है, तो डाल्टन ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस जो हैं वो क्या होते हैं, किस टाइप के होते हैं, क्यों होते हैं, कौन से फोर्सेस हैं जिसके कारण एटम्स आपस में एक जगह पर इकट्ठा रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये उसकी मेन मेन लिमिटेशंस थी। पहला, उसने लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन को बाई मास बताया, बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम की टर्म्स में एक्सप्लेन नहीं किया। सेकंड, एटम्स ऑफ डिफरेंट और सेम एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल या टू फॉर्म कंपाउंड एटम, उस समय एक टर्म थी उसने बताया था कंपाउंड एटम, टू फॉर्म कंपाउंड एटम, मॉलिक्यूल टर्म तो उस समय आया नहीं था, तो कंपाउंड एटम। ठीक है, ये चीज़ वो नहीं बता पाया। अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स के मासेज, शेप, साइज़ वगैरह डिफरेंट होते हैं, तो वो क्यों होते हैं, क्यों होते हैं, उसके बारे में भी नहीं बताया। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड क्या होते हैं, उसके बारे में कुछ नहीं बताया उस समय उसने। और फिर एटम्स यदि कंबाइन होते हैं आपस में तो किस तरह के फोर्सेज हैं जो एटम्स को बांध के रखते हैं, उसके बारे में कुछ नहीं बताया। ठीक है, तो ये डाल्टन्स थ्योरी हमारी, उसके डाल्टन्स थ्योरी क्या थी, लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशंस को कैसे एक्सप्लेन करती है डाल्टन थ्योरी, और फिर उसकी लिमिटेशंस, यहाँ तक हम डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास, ग्राम फॉर्मूला मास। ओके, बाय।